दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप माँ शीतल इस वेबसाइट पर IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चले जाना है गूगल में, ठीक है। तो गूगल में चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होता है माँ शीतल, ठीक है, IPO अलॉटमेंट स्टेटस, इस प्रकार से आपको सर्च करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद में फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इशू का ऑप्शन आ रहा है और ये आपको डायरेक्टली IPO अलॉटमेंट स्टेटस जहाँ चेक करते हैं वहाँ उस पेज पर लेके जाएगा, ठीक है। नीचे भी आ रहा है लेकिन ये उस कंपनी की वेबसाइट पर आप चले जाओगे। तो सिंपली पब्लिक इशू के ऊपर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आप पहुंच जाते हो IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक जहां करते हैं उस पेज पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे साइड में आएंगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहा है पहला प्लीज सिलेक्ट कंपनी का, ठीक है। तो आपका IPO अगर इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो ही यहां पर दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग वेबसाइट होती है, अलग अलग रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे लिंक्डइन टाइम, उसके बाद में KFin टेक्नोलॉजीज, ऐसे अलग अलग। तो इस वेबसाइट पर अगर आपका IPO रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट में IPO अलॉटमेंट डेट जिस दिन की होगी उस दिन यहाँ पर आपको आपका IPO का नाम मिल जाएगा जिसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीन ऑप्शन नीचे देखने को मिलते हैं, एक तो पैन नंबर का ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन नंबर का और डीमैट अकाउंट नंबर। तो आप तीनों तरीके से आप IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से पैन नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, पैन पे ही सिलेक्ट रहने देते हैं, पैन से ही हम IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर ऐड करना है जो कि आपने डीमैट अकाउंट में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो पैन नंबर यहाँ पर हम यूज करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पैन नंबर डालने के बाद सबमिट पर जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपको IPO अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा कि आपको वो IPO अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप माँ शीतल इस वेबसाइट से IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो बताया आपको समझ में होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।